नमस्कार दोस्तों, फाइन आर्ट स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अरुण भारती और आज आपको बताऊंगा कि आप पेंसिल चारकोल के साथ किस पेपर का यूज करें। जो न्यू बिगनर्स हैं उनको पेपर यूज करने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो मैं अपनी वीडियो में तीन पेपर्स के बारे में आपको बताऊंगा, कॉटेज, आइवरी और हैंडमेड। आप किस पेंसिल के साथ किस पेपर का यूज करें, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर हम जो पोर्ट्रेट या कोई भी और चीज ड्राइंग बनाते हैं तो हम तीन पेपर्स का ज्यादातर यूज करते हैं। पहला ये है कार्ट्रिज पेपर, जिसमें टेक्सचर तो थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत ही अच्छा टेक्सचर्स आता है। तो हम हैचिंग में अगर काम करना चाहते हैं तो हम ओनली इस पेपर को यूज कर सकते हैं हैचिंग की सहायता से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टेक्सचर बहुत कम है ना, तो हम लोग इसको नॉर्मली पेपर के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं और इसमें हैचिंग में बहुत अच्छी तरीके से निकल करके ड्राइंग हमारी आती है। सेकंड पेपर होता है हमारा हैंडमेड। हैंडमेड में टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं तो हम ब्लेंडिंग टूल्स की सहायता से भी इस पेपर को यूज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग टूल हम किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कार्ट्रिज पेपर हो, चाहे वो आइवरी हो या हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर पर टेक्सचर बहुत अच्छी तरीके से निकल करके आता है। आप देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना अच्छी तरीके से निकल करके आ रहा है ना। हम इसमें ब्लेंडिंग करने पर हैंडमेड पेपर पर ब्लेंडिंग करने पर उसका जो टेक्सचर है वो निकल करके आ जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारी आइवरी सीट। आइवरी सीट बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी है और मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है इस पर। तो इस पर हम जो रियलिस्टिक वर्क होता है पेंसिल के जरिए या चारकोल से रियलिस्टिक वर्क करते हैं, ज़्यादातर आइवरी सीट पर करते हैं। इस पर हम ब्रश जो हमारा शेडिंग के लिए होता है बहुत ही स्मूथ चलता है और एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें स्मूथनेस आती है। तो हम देख सकते हैं कि आइवरी सीट पे अगर हमको करना है तो जो हमें नेचुरलिटी चाहिए एक रियलिस्टिक वर्क जैसी, तो हम आइवरी सीट पे काम करेंगे। अब मैं अपना काम दिखाता हूँ, जो मैंने काम आइवरी सीट पे कॉटेज सीट पे कुछ काम किया है। ये मैंने पोर्ट्रेट अपना बनाया है जो कि आइवरी सीट पर है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसमें निकल करके आता है, स्मूथनेस आती है। देखिए इसमें जो काम हुआ एकदम नेचुरलिटी दिख रही है इसमें, देख सकते हैं आप। इसी तरह का काम हम आपको कार्ट्रिज सीट का मैं आपको काम दिखाता हूँ। मैंने हैचिंग के द्वारा इस पर काम किया है और देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत अच्छी रियलिस्टिक क्वालिटी आ रही है। सबसे मेन चीज है कि एक और मैं आपको वर्क दिखाता हूँ जो कि आइवरी सीट का है। ये देखिए, ये भी आइवरी सीट पर है। नेचुरलिटी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि हम ब्रश से इसको स्मूथ करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो इसमें एक नेचुरलिटी निकल करके आ जाती है। और देखिए ये है, कलर के लिए यूज किया है जो कि बहुत अच्छा निकल करके आया है। और हैंडमेड पेपर पे अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा आपको टेक्सचर देता है, क्योंकि इन सब में टेक्सचर बहुत ज्यादा होता है। तो आप अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग पेंसिल के लिए अलग अलग पेपर यूज करें ताकि आपकी ड्राइंग और ज्यादा अच्छी हो। और चारकोल के लिए आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, चाहे वो कार्ट्रिज सही, चाहे आइवरी, कोई भी ए टू जेड पेपर यूज कर सकते हैं। अब आपको स्मूथनेस के लिए, ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आप आइवरी सीट यूज करेंगे, और अगर ब्लेंड आपको, अगर आपको वर्क हैचिंग में करना है और हैचिंग में पोर्ट्रेट निकालना है तो आप, और आप जो है कार्ट्रिज शीट यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये हैचिंग में निकाला है और मैं अभी अपना एक पोर्ट्रेट दिखाता हूँ जो कि मैंने पूरा हैचिंग में निकाला है। ये देखिए ये कार्ट्रिज शीट पर है जो कि पूरा हैचिंग से है, तो आप इस तरह का वर्क भी कर सकते हैं। तो आप पेंसिल से और चारकोल से समझ गए होंगे कि आपको कौन सा पेपर यूज करना है। तो आप कोई भी पेपर ब्लेंडिंग के लिए हमेशा आइवरी सीट ही आप यूज करें ताकि स्मूथनेस आती रहे, और अगर आप हैचिंग से करना चाहते हैं तो आप कार्ट्रिज सीट ही इस्तेमाल करें ताकि वो टेक्सचर निकल करके आए और आपका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।